तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। आज हम फिर आपके लिए लेकर आए एक बहुत ही बेहतरीन सी वीडियो गेम प्ले। और आज हम जा रहे हैं आर्केड मोड खेलने के लिए। आर्केड मोड में गेम तो अच्छा हुआ, हमने किल्स भी किए लेकिन एंडिंग थोड़ी सी बैड हुई, लेकिन बैड के बाद भी गुड हुई। स्पॉइलर नहीं दूंगा, वीडियो लास्ट तक देखिएगा तो खुद आप जान जाएंगे कि क्या हुआ एक्चुअल वीडियो के अंदर। तो चलिए मैम, हमने जंप तो कर ली, अब जा रहे हैं हम घरों की तरफ और देखते हैं। और एक सामने पैराशूट मैंने गोल गोल घूमते हुए देखा, बड़ा मतलब फनी सा था ये। खुद उसने किया या उसके साथ बेचारे के साथ खुद हो गया हैक, या हैक था या उस बेचारे का ग्लिच था कुछ पता नहीं। बहरहाल वो नीचे खड़ा हुआ था और उसके पास शायद कोई गन थी नहीं, या थी ऑफलाइन हो गया था। पर मैं अंदर जाने की कोशिश कर रहा था ताकि मैं गन ले सकूं, और गन ली जैसे ही तो भाई सब भी आगे सामने से, पहले वो हवा में उड़ रहे थे और अब वो बेचारे नीचे उड़ रहे हैं। तो खैर, तो जैसे कि हमने इनको ख़त्म किया, पहला किल मिला, अब हम यहाँ पर आए बैठे और अब हम ये देख रहे थे कि भाई कुछ थोड़ी सी लूट मिल जाए तो फिर आगे की तरफ बढ़ते हैं। मैंने सोचा थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, जोन भी बन गया बिल्कुल, और यहाँ से लूट करने की जाए तो उसके पास बेचारे के पास तो पेटी में कुछ था ही नहीं। वो भी जैसे कमरे में एंटर हुआ मैंने उसे मार दिया, बस फायरिंग की आवाज़ भी आ रही थी आसपास से। तो मैंने घर को चेंज किया, मैंने कहा चले सामने ले घर में जाता हूँ, देखता हूँ यहाँ कुछ चीज़ें अगर मिल जाती हैं, लूट मिल जाती है, हेलमेट वगैरह मिल जाता है तो बहरहाल अच्छा हो जाएगा। और देखते हैं कि हमें क्या चीज़ें मिलती हैं यहाँ पर। अब यहाँ आसपास कुछ बंदे थे, मैंने सोचा यहाँ पे थोड़ा वेट कर लेता हूँ, बंदे ऊपर आ जाएं तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि मैं रश मारने के चक्कर में, आर्किड मोड है आपको पता है, इसमें तो बिल्कुल चांस नहीं है और सब अपनी अपनी देख रहे होते हैं, कोई भी टीममेट भी आपका जो है वो आपको सेफ नहीं कर रहा होता। तो लेट्स सी, देखते हैं आसपास। बिल्कुल हमें फायरिंग की आवाज़ भी आ रही थी और हम यहाँ बैठे हुए थे कि बिल्कुल निशाना लेके, कि जैसे कोई आए तो हम उसका सर फाड़ दें। और आसपास खिड़की से मैं देख रहा था तो मैंने सोचा इस साइड आके देखता हूँ, यहाँ पर मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा था। तो अभी बस चल ही रहा था इधर उधर, लेफ्ट राइट में देख ही रहा था कि फिर मैंने सोचा चलो उठ के आगे की तरफ देखता हूँ। मुझे वहाँ एक शेक के पास एक बंदा नज़र आया, मैंने उसे फायर किया और दो तीन इंच उसे लगे बॉडी, लेकिन उसके बाद तो उसके अंदर जैसे पता नहीं कौन सी आत्मा घुस गई और वो इतनी स्पीड में भागने लग गया कि पता नहीं क्या हुआ उसको। खैर, तो बिल्कुल साथ पास ही मेरे कोई बंदा था, उसके फुटस्टेप मुझे आ रहे थे। अब मैंने सोचा यार कि यहाँ थोड़ा सा बैठ के डिफेंसिव कर लेते हैं गेम और उसको मार देते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब मैं सामने की तरफ देख रहा था, मेरी यहाँ मिस्टर के पीछे वो मेरे शॉटगन लेके खड़ा हुआ, बचत होगी मेरी, और मैंने जैसे जैसे करके इसे यहाँ पे नॉक कर दिया। तो भाई यहाँ हमें दूसरा किल भी मिल गया, तो इस किल के लिए प्लीज़ लाइक तो बनता ही है। वो बंदा फिर मैंने देखा सामने शेक के अंदर ही खड़ा हुआ था, मैंने सोचा यहाँ सामने से जाऊँ या नहीं, पता नहीं उसको शेक से क्या मोहब्बत थी। दो बंदे थे वहाँ पे शेक में जो मुझे दूर से कॉर्नर के उस एंगल से नज़र आ गए। अब मैंने सोचा यहाँ से जंप करके भाई देखते हैं और जाते हैं उनको मारते हैं, वो कहीं किसी और से फाइट ले रहे थे तो बस मैंने सोचा, फिर मैंने जंप कर दी। अब मैंने देखा आगे वो नॉक करके किसी को बैठा हुआ था और मैंने शायद को मैंने ही नॉक कर दिया। तो यहाँ बहरहाल मुझे तीसरा किल भी मिल गया और उसके बाद अब मैं यहाँ पे नज़र आया, मैंने कहा देखते हैं अब यहाँ पर कोई आसपास मुझे नज़र आए तो मैं मारूँ, क्योंकि फायरिंग की आवाज़ तो आ रही थी। तो अब मैं यहाँ से सोचा निकलूँ बाहर, मेरे टीममेट भी आके जो है वो नॉक हो चुका था, जोन भी शुरू हो गया था। सबसे बड़ी दिक्कत वाला मसला ये था कि जोन शुरू हो गया था हमारे लिए, और मैंने अब तो मुझे निकलना ही था कुछ भी करके, क्योंकि नहीं निकलता हूँ तो जोन से मरता हूँ। तो सामने की तरफ मैं निकला तो मुझे, तो सामने की तरफ जब मैं निकला जोन से बचने के लिए तो मैं ऊपर जाने लगा, मैंने कहा चलो यहाँ पर देखते हैं कुछ मिलता है कि नहीं, और दो सेकंड वेट करते हैं। देखा वहाँ पर एक नॉक बंदा बेचारा रींग रहा था, मैंने सोचा चलो उसको मार के किल चोरी करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। और अब बस कुछ ही सेकंड थे मेरे पास, 57 सेकंड के, इसके बाद जोन ने शुरू हो जाना था और बिल्कुल ही पास कोई बंदा भी था यार। मैंने सोचा नीचे जाऊँ या जोन का वेट करूँ, देख रहा था मैं क्या होता है ऊपर आता है बंदा कि नहीं। अब मैं ऐसे खिड़की से आया, मैंने कहा चलो देखूँ उसको, तो कोई मुझे नज़र आ जाए तो मैं उसका सर्वर फोड़ दूँ। तो सात ही छः ही बंदे अलाइव थे मुझे छोड़ के, तो मुझे कोई छः दिख भी नहीं रहा था बंदा आसपास, बस फायरिंग की आवाज़ ही आ रही थी। मैंने सोचा यार अब क्या किया जाए। अब 11 सेकंड रह गए थे जोन में भी, तो देखते हैं अब ये क्या होता है इसके साथ, क्या करते हैं हम। और अब जब जोन चल पड़ा तो भाई अब हमने जब मारी दी तो मैंने देखा वो सामने एक बंदा किसी से फाइट ले रहा था, और मैंने उसी बेचारे को मार दिया। उसके बाद अब मैं जोन से बचने के लिए भाग रहा था, 4 किल हो चुके थे मेरे। अब यहाँ थोड़ा सा ट्विस्ट आ जाएगा वीडियो के अंदर, वो आप देखें, अभी थोड़ी सी देर रह गई है। अब मेरी हेल्थ भी कम थी, जोन भी चल रहा था और मुझे जोन में भी जाना था। अब मैं सोचा था यार हीलिंग करूँ, हीलिंग करने के चक्कर में कहीं से फायर ना पड़ जाए, तो मैंने सोचा भाग ही लेता हूँ। और वही हुआ जो मेरी थिंकिंग थी, मुझे फायर पड़ गया पीछे से, और अब मेरी हेल्थ काफ़ी कम हो चुकी थी, तो ऑलमोस्ट आधी हो चुकी थी, आधी से भी कम। अब मैं देख रहा था यार कहीं से फिर एक और फायर मुझे पड़ा, तो मैंने कहा यार ये तो हो गया काम। अब यहाँ पर जोन भी था, मैंने कहा चलो यार इस थोड़ी सी जगह के अंदर खड़े होकर यहाँ पर मैं हीलिंग कर लेता हूँ, फर्स्ट एड लगाता हूँ, क्योंकि जोन अब मुझे मार देगा 2 सेकंड के अंदर ही।
तो मुझे जोन में मरना नहीं था। अब चल पड़ा मैं जोन से बचने के लिए। मेरा ध्यान बस जोन के ऊपर ही था ज्यादा और सामने घरों के ऊपर। मैंने शेक में देखा ही नहीं, सामने से बंदे ने मुझ पर फायर खोले। मैंने फायर भी किया लेकिन मेरा एम उस पर सही बैठा नहीं और मैं यहाँ नॉक हो गया। अब यहाँ पर भाई थोड़ा सा ट्विस्ट हो गया। मैंने हेल्प मांगने की कोशिश की। पहले तो मैंने मार्क किया कि भाई इस तरफ है बंदा, ताकि मेरे टीममेट को नज़र आ जाए। उसके बाद भाई मैंने हेल्प मांगने की बहुत कोशिश की, भरपूर कोशिश की, लेकिन मेरे जो टीममेट थे भाई, उन्होंने मेरी हेल्प करने की सोची भी नहीं। और अच्छा ही किया यार, मतलब नहीं सोची उस टाइम तो मुझे बड़ा बुरा लग रहा था यार कि मतलब यही एक ऑकवर्ड था इस वीडियो के अंदर कि कोई मेरी हेल्प करने नहीं आ रहा था। और आएगा भी कैसे भाई, ये कोई मेरे दोस्त वगैरह तो थे नहीं, ये एक बस रैंडमली सिस्टम ने पिक किया था ऑटो मैचिंग के ऊपर, तो बस फिर उन्होंने तो आना नहीं था मेरे पास। खैर अब मैं अब वेट कर ही रहा था कि भाई अब या तो मैं खुद मर जाऊँ या ये मेरे मरने से पहले वो उसको मार दें। तो क्योंकि हम दो बंदे अलाइव थे, एक ही सामने था और एक कहीं और था इसके अलावा। तो बहरहाल अब हम देख ही रहे थे क्या होता है। वो ऊपर से जोन भी आ गया। जब जोन आया तो मैंने कहा चल भाई अब रिस्क ले ही लेते हैं, बाहर निकलते हैं, मरना तो है, या उसकी गोली से मरे या जोन से मरे भाई। तो बहरहाल मैं आगे बढ़ गया, लेकिन फिर वही हुआ जो मेरी आत्मा या वो निकल गई, रूह निकल गई मेरी। तो अब मैं स्पेक्टेट कर रहा था अपने दोस्तों को जो मेरे थे नहीं। मैंने कहा चलो देख लेते हैं भाई, अगर ये मार देते हैं इसको तो फिर हमें अच्छा मिल जाएगा। तो फाइनली गाइस मैंने कहा वैसा हो गया, हमने गेम यहाँ पे विन कर ली। और बहरहाल जैसा भी था भाई, अगर आपकी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाइएगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।